चलो स्टार्ट करो भाई, शुरू है। यस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंदर। मैं मुनीश। और मैं हूं सुनील। और आज हम जो वीडियो का रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एक टीजर, उसका नाम है सेरा। अलग अलग लिखा है यहाँ पे। सेरा अलग अलग लिखा है और नीचे सये रा नरसिम्हा रेड्डी ऑफिशियल ट्रेलर। एक्सेल एंटरटेनमेंट के चैनल पे ये डला हुआ है। चिरंजीवी है इसमें, अमिताभ बच्चन है, रामचरण के तो मैंने मूवीज देखी है, मगधीरा है, और भी कई अच्छी मूवी बनाई है इसने, जिसमें इंस्पेक्टर का रोल भी किए हैं इसने, काफी अच्छे। हाँ वो भी थे, मगधीरा इसका मतलब बहुत फेमस जो राजमौली के साथ मूवी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। यस एक्सेल एंटरटेनमेंट ए फिल्म्स। कुछ नाम जो इतिहास कभी भुला नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास भगत लक्ष्मीबाई की है क्या? मंगल पांडे, पर एक नाम, एक योद्धा जो इतिहास में कहीं दब गया, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग की शुरुआत की। Who is this Narasimha Reddy? वो शेर है, वो उनका हौसला है। Hunt him! नाडू के शूरवीरों, हमें नहीं पता इतिहास हमें याद रखेगा कि नहीं, लेकिन आज इतिहास हमसे लिखा जाएगा। रिलीज कर रहे हैं। और मेन चीज क्या, मूवियां सारी ऐसी बन रही है जिसमें फाइटिंग सीन और एक रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरीज पे, इन पे आजकल मूवी ज्यादा बनने लग गई है। हिस्ट्री पे इतनी मूवीज बन रही है, ये भी हिस्ट्री की मूवी है और कह रहे हैं इसको कोई नहीं जानता। नरसिम्हा रेड्डी का बेसिकली क्या है कि नाम है, यानी काफी लोगों ने सुना है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ। मेन चीज क्या है, तो नरसिम्हा रेड्डी ऐसी बहुत सारी, जैसे अभी मणिकर्णिका आई थी इससे पहले, फिर बाहुबली के बाद तो ऐसा थोड़ा सा उस तरफ आ रहा है। हालांकि बाहुबली कोई भी वो फिक्शन था, लेकिन ये मतलब रियल स्टोरी पे बता रहे हैं उस पे बनाई है, मतलब कि कोई जानता नहीं इसके बारे में। मंगल पांडे उसको लेके आया, मंगल पांडे को भी पहले कोई नहीं जानता था, बाहुबली बनने से पहले शायद। तो वो उसका नाम फिर भी सुना हुआ था लोगों ने, मंगल पांडे का, पर ये तो नया, ये साउथ के है ना, तो नॉर्थ नॉर्थ रीजन के लोगों ने, नॉर्थ इंडिया के लोगों ने, नॉर्थ रीजन में नरसिम्हा रेड्डी का नाम नहीं चला नहीं जानते हो। लेकिन साउथ की मूवीज में ना बेसिकली क्या है कि नरसिम्हा नाम के हीरोज के नाम बहुत होते हैं, नरसिम्हा या इन्हीं चीजों पे नाम रहते हैं उनके मोस्टली। तो और इसकी वैसे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रहा है, जो फरहान अख्तर की कंपनी है, रितेश सिद्धवानी की कंपनी है। और इससे पहले जो बाहुबली थी उसको धर्मा प्रोडक्शन ने किया था। तो ये बहुत सारा ए फिल्म्स जो है वो बहुत सारी बॉलीवुड जो स्टूडियोज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके साउथ की मूवीज़ को, बड़े बजट की मूवीज़ बना रहे हैं और उनको हिंदी में डिफरेंट लैंग्वेजेस में, क्योंकि नॉर्थ में थोड़ा साउथ की मूवीज़ का इतना
समझना तो इसलिए फिर कोई दिक्कत नहीं होती है. और अब जो मूवीज बन रही है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी बन रही है. और ये काफी अच्छे बजट की मूवी है, बड़े बजट की. अभी अभी तो टीजर आया, अभी तो ये टीजर है और टीजर ही इतना अच्छा है, मतलब इसमें इतने सीन है, काफी कुछ चीजें क्लियर किया. ये तो ट्रेलर के बराबर वाला, ट्रेलर के बराबर वाला टीजर है. बाकी अब ट्रेलर का इंतजार करते हैं, ट्रेलर में क्या आता है नया. हाँ, मूवी निकलने के लिए मतलब लगभग अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर में रिलीज हो जाएगी. अराउंड 40-42 दिन बचे हैं बस. तो अच्छा टीजर था. और ये ट्रेंडिंग में जैसे दूसरे पे आ गया है तो मतलब इतना ज्यादा देखा गया है तो जरूर इसका जो ट्रेलर होगा वो भी फिल्म चलने के पूरे बहुत बढ़िया होगा, अच्छी चलेगी, अच्छी निकलेगी मूवी. और मेन चीज क्या इसमें अमिताभ बच्चन भी हैं. अमिताभ बच्चन काफी नॉर्थ के लिए वैल्यू बढ़ा देते हैं, बॉलीवुड बढ़ाते हैं नॉर्थ के लिए. और मेन चीज के बॉलीवुड का जहाँ पे भी नाम आता है तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी का नाम आते ही तो सबसे मेन चीज क्या कि एक मूवी का नाम ही मूवी डिफरेंट वे बढ़ा जाती है, होना एक अच्छी बात होती है फिल्म के लिए. तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमें अमिताभ बच्चन जी मूवी में काम करते हुए दिखेंगे और एक अग्रेसिव रोल में दिखेंगे इसमें. तो ये था हमारा रिएक्शन इस टीजर पे, ये छोटा सा टीजर था. अभी ट्रेलर आएगा तो उस पर फिर हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें. और आपका कोई भी वीडियो हो जो इसके जिस पे आप रिएक्शन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक हमें ज़रूर भेजें, नाम भेजें. जो भी आप वीडियो देखते हैं कुछ भी हो, चाहे ट्रेलर हो, टीज़र हो, कोई सॉन्ग हो, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.